अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होनी चाहिए कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसको हमने डिस्कस की थी बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा। तो जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसका जो मेन फोकस है वो है आपके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ साइंस के ऊपर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। सही। तो ये जो लफ्ज है बायोटेक्नोलॉजी, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तो हमें पता है कि बायो मींस लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनाइज्म की अगर बात की जाएगी तो बायो की बात की जाएगी। और ये जो लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस डिफरेंट टेक्निक्स की, जिनको यूज़ करते हुए हम इंसानों के लिए मुख्तलिफ कारामद अशिया बनाएँ या के पास उनके मसाइल का हल तलाश करें। सही। तो जब हमने इन दो लफ्ज़ों को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, दी बायो टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर मतलब ही निकलता है कि हम जानदारों को ही इस्तेमाल करते हुए ऐसे इंसानों के लिए जो है वो उनके मसाइल का हल ढूंढें या उनके ज़िंदगी को आसान करें, उनके लिए कारामद अशिया जो है वो बनाना शुरू करें। सही है। तो यहाँ पर हमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था किस तरह से जो है वो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनाइज़म को, सही है, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज़म विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनाइज़म। तो उन जानदारों को, बैक्टीरिया को या फंजाई को या दूसरे ऐसे जानदार जो आम इंसानी आँख से नहीं दिखते, उनको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह जो है आपके पास इंसानों के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। सही। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बने जो इंसान आज इस्तेमाल कर रहा है वो उन जानदारों को यूज़ करते हुए बनाई जा रही हैं। सही। तो ये वाली बात हमने करी थी। फिर हमने देखा था कि ऐसा होता क्यों है, कैसे काम किया जा रहा है। तो इस फील्ड में हमने देखा कि आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनाइज़म है मोस्टली वो सिंगल सेल्ड ही होते हैं। सही है। तो उनकी बॉडी में जो सिंगल सेल है उसके अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम है जो डीएनए से बना है, और डीएनए में जो है मौजूद जो जीन्स हैं, एक्चुअली वो प्रोटीन जो जीन है वही कंट्रोलर है बॉडी के तमाम फीचर्स का। सारी इन्फॉर्मेशन तो जीन्स के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर जो काम किया जाता है वो उन जीन्स पे ही किया जाता है, या तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उनको जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या उनके अंदर कोई रद्दबदल कर दी जाती है कि वो आपके पास एक नया फीचर या नया करेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करें। सही। तो ये जो सारा प्रोसेस जिसकी हमने बात करी उसको हमने नाम दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ये बहुत ही जदीद तरीका है और इससे बहुत सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। इसमें होता ये है कि आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी ऑर्गेनाइज़म का डीएनए लेकर या उसकी जो है वो जीन्स को, पर्टिकुलर जीन को लेकर ट्रांसफ़र करें दूसरे ऑर्गेनाइज़म के अंदर। अब वो जो पर्टिकुलर जीन जहाँ से आया है वो पर्टिकुलर काम ही करेगा जो उस बॉडी में करता था, और यहाँ आकर दूसरी बॉडी में आकर भी वही काम करेगा जो किसी को करने का वो आदि है। सही है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना ली ऐसे करके जो नहीं बनती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दी थी एग्ज़ाम्पल इंसुलिन की। इंसुलिन खुद एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक हार्मोन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्या काम करता है, जो ब्लड के अंदर मौजूद शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सही। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा अपने आप, तो उस बॉडी के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो क्या करते हैं, करते ये हैं कि वो ह्यूमन बॉडी जिसके अंदर इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालते हैं, वो वहाँ से वाला डीएनए निकालते हैं। सही है। उसको ट्रांस करते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर क्या आ गया, एक ह्यूमन जीन आ गया जो इंसुलिन बनाएगा। अब बैक्टीरिया के अंदर वो जीन, तो बैक्टीरिया भी क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। इस तरह वो इंसुलिन जो ह्यूमन बॉडी में नहीं बन रहा था, अब कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, और बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस बॉडी के अंदर जहाँ इंसुलिन नहीं बन रहा था। तो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन जो है वो इंसुलिन को ट्रांसफ़र किया जाता है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो इंसुलिन खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते इनसाइड द बॉडी। सही है। अब बात याद है यहाँ बैक्टीरिया को क्यों यूज़ किया गया। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया इसलिए मशहूर है क्योंकि बैक्टीरिया की जो बॉडी है, एक तो वो सिंगल सेल्ड है, इसके अलावा जो है उसकी बॉडी इंतहाई सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट होती है, तो बआसानी उससे जो है वो कोई भी काम करवाया जा सकता है। इसलिए बैक्टीरिया को काफ़ी अहमियत हासिल है इस अंदर, नाम है बायोटेक्नोलॉजी। सही। ये तो आपको एक मिसाल की, हाँ, ये जो फील्ड है, जो स्टडी है बायोटेक्नोलॉजी, ये मुख्त
शोबों में काम कर, सही है। हम जितने भी हमारे फूड आइटम है बहुत सारे पे डिपेंड, प्रोडक्ट्स हैं इसी पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास जो हमारा शोबा है, जो हमारा शोबा है उसमें भी बहुत कर रही है बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक ज़रई मुल्क है और हमारी जो इकोनॉमी वो डिपेंड करती है हमारी ज़रात के ऊपर। तो हमारी ज़रात को किस तरह बेहतर बनाना है, किस काश्तकारी को अगले लेवल पर लेकर जाना है, उसके लिए ये जो स्टडी है बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा काम कर रही है। इसके अलावा हमारे पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है सांस लेने को, तो किस तरह अपने माहौल को साफ रखना है, माहौल से आलूदगी ख़त्म करनी है, इसके लिए भी ये फील्ड काम कर रही है। और द लास्ट वन इज़ आपके पास मेडिसिन, जैसे इंसुलिन की बात करी अभी हमने कि इंसुलिन को जो है ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ऐसे इंसुलिन नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे दूसरे भी हार्मोन हैं, दूसरे भी बहुत सारी प्रोटीन हैं जो बॉडी में नहीं बन रही, तो उनको बाहर से हम ले सकते हैं, सही। तो वो जो मेडिसिन है हमारे पास उनको बनाने के लिए भी जो है इन्हीं माइक्रोऑर्गेनाइज्म को यूज़ किया जाता है, सही। तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं सारी, ये क्या है हमारे पास रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो स्टडी है इसका किरदार क्या है इंसानी ज़िंदगी के लिए, सही। ये किस किस जो है वो फील्ड में काम कर रही है। तो अभी आपको बताया कि भी फूड इंडस्ट्री है हमारी, या एग्रीकल्चर है, या इन्वायरमेंट है, या मेडिसिन है, तो कुछ चार मैंने आपको बता दी, वरना के बाद ऐसी बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जहाँ पर ये इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी हम इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ फूड को, सही। फूड इंडस्ट्री के अंदर ये फूड के लिए किस तरह से इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिससे बहुत सारे फूड आइटम बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो दही है वो दूध से बनता है, लेकिन उस दही को बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, फर्मेंटेशन को करना पड़ेगा। या के पास जो डबल रोटी है या जो आटा होता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन को करना पड़ेगा। या अल्कोहल को बनाने के लिए या सिरके को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनाइज़म, सही है। वो माइक्रो ऑर्गेनाइज़म जब सांस लेता है तो वो वहाँ उस मौजूद उस फूड को कन्वर्ट करता है डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर। वहाँ पे वो सांस क्यों लेता है, तो हम सब जानते हैं कि वो सांस क्यों लेता है, एनर्जी बनाने के लिए। हम भी सांस क्यों लेते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, कि जो बॉडी के अंदर फूड मौजूद है उससे क्या बन जाए, एनर्जी बन जाए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं अगर आपके पास किसी भी माइक्रो ऑर्गेनाइज़म की, कोई भी हो, बैक्टीरिया हो या ईस्ट हो, खमीर से कहते हैं हम, ईस्ट फंजाए है एक, सही। तो जब उसको हम कोई शुगर देंगे, जब फूड होगा किसी स्टेट में होगा, शुगर स्टेट के अंदर, शुगर कोई सी भी हो, ग्लूकोज हो, माल्टोज हो, फ्रक्टोज हो, जब वो उस शुगर पे आके पास सांस लेता है तो वो बनाता है तीन चीज़ें। एक तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनाता है एनर्जी, और एक वो बनाता है अल्कोहल। या अल्कोहल के अलावा यहाँ पर दूसरे के प्रोडक्ट भी वहाँ पर बन सकती है, मैंने अल्कोहल का बताया अभी फ़िलहाल, अल्कोहल भी ऐसे ही बनती है, सही। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनाइज़म है वो वहाँ पर सांस लेते हैं, क्यों, एनर्जी बनाने के लिए। और जब वो एनर्जी बनाने साथ साथ उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर, अल्कोहल के अंदर या फिर आपके पास जो है वो किसी दूसरे फूड आइटम के अंदर, सही। तो यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं पहली दही बनाने की। जो हमारा दही है, जो योगर्ट है, वो दूध से बनता है। तो हमारे पास जो दूध है उसके अंदर शुगर कौन सी होती है, मिल्क के अंदर शुगर होती है आपके पास लैक्टोज शुगर, सही। मिल्क के अंदर कौन सी होती है, लैक्टोज शुगर होती है। और ये जो बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर, सही। हमारा जो दूध है वो आपके पास मिक्सचर है लैक्टोज एंड प्रोटीन का, सही है। दूध के अंदर लगभग 80% जो है प्रोटीन होता है, बाकी जो है वो लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर है।
तो जब ये बैक्टीरिया वहाँ पे सांस लेता है तो ये कन्वर्ट करता है किसको, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है उसकी वजह से वहाँ जो प्रोटीन थी दूध के अंदर जो डिजॉल्व स्टेट में थी वो जमना शुरू हो जाती है, सही है, और जम के क्या बन जाती है, दही बन जाती है, सही। इस तरह दूध से दही बनता है कि पहले लैक्टिक एसिड बन गया और उसके नतीजे में क्या जो प्रोटीन जम गई, जो जमी हुई प्रोटीन है वो दही है, दही भी एक प्रोटीन है, जो दूध की बटे जम गई तो दही बन गई, सही है। इस तरह के पास जो जमने वाला पार्ट है दही वो अलग हो जाता है और जो लिक्विड वाला पार्ट था वो अलग हो जाता है, उसको आप अलग अलग कर लेते हैं। अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए तो वो भी जो है दही बन जाएगा, सही है, वरना आप उसको भी उसको आपको अलग करना पड़ेगा, सही है। तो ये वाला काम हम घरों में सालों से होता आ रहा है कि दही बनती आ रही है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, सही है, इसके पीछे कोई माइक्रो ऑर्गेनाइज्म इन्वॉल्व है। जब इस चीज़ को स्टडी कर लिया गया तो अब यही दही जो है या यही पनीर जो है उसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल लेवल के ऊपर। पूरी पूरी इंडस्ट्रीज इस पर काम कर रही हैं कि वो दूध से दही और पनीर बना रही हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्म पे डिपेंड नहीं करती बल्कि वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज्म के साथ साथ बैक्टीरिया के साथ साथ डिफरेंट एंजाइम्स वहाँ पर ऐड करवाए जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स ऐड करवाए जाते हैं, जिससे क्या हो, एक तो अमाउंट ज़्यादा बने दही की या प्रोडक्ट की, या जल्दी बन जाए, सही है, क्वालिटी अच्छी हो। तो इसी इस चीज़ को लेते हुए अब हमारे पास डिफरेंट ब्रांड इस पर काम कर रहे हैं। नेस्ले का योगर्ट मौजूद है हमारे पास, नेस्ले का योगर्ट है, ब्लू बैंड का जो मक्खन है, या डिफरेंट टाइप की जो है वो पनीर वगैरह मार्केट में मौजूद है। तो वो इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं किसको यूज़ करते हुए, इसी इस चीज़ को यूज़ करते हुए, ऑर्गेनाइज्म को यूज़ करते हुए। और उनको किसने ये बात कहाँ स्टडी की गई, तो ये आपके पास स्टडी है किसकी, बायो टेक्नोलॉजी की, सही है। ये फील्ड इस पे काम कर रही है किस तरह हम अपने इन प्रोडक्ट्स को मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई दूध से दही की बात। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट की अगर बात की जाए, फूड ईस्ट जो है वो खमीर को कहते हैं, फंजाई होता है, सही है। तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम बात करेंगे आटे की, जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए आटा यूज़ किया जा रहा है या डबल रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ किया जा रहा है, वो कोई आम आटा नहीं है, सही है, बल्कि उस आटे को इस काबिल बनाया जाता है पहले कि वो नरम हो जाए और वो फूल जाए। उसके पीछे कौन काम कर रहा है, उसके पीछे ईस्ट काम कर रही होती हैं, सही है। तो आपके पास जब उस आटे पर ईस्ट को जो है वो लगाया जाता है या रखा जाता है, तो ईस्ट जब वहाँ पर सांस लेता है खमीर, तो ये आपके पास एक एनारोबिक ऑर्गेनाइज़म है। एनारोबिक मतलब ये जब सांस लेगा तो ऑक्सीजन गैस को यूज़ नहीं करेगा, सही है। ईस्ट जो फंजाय है जब सांस लेगा तो ये ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल नहीं करेगा जैसे बकिया जानदार या हम करते हैं, सही है, इसको हम कहेंगे एनारोबिक। तो इससे क्या होगा कि जहाँ वहाँ जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो उस आटे के अंदर ही रह जाती है, उससे बाहर नहीं निकलती। जब आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फंस जाती है तो वो आटा नरम हो जाता है, वो आटा फूल जाता है। और उस आटे से जब हम रोटी बनाते हैं तो वो फूली हुई रोटी बनती है, नरम रोटी बनती है, या उससे पिज़्ज़ा बना लिया जाता है, या उससे सैंडविच रोटी है वो बना ली जाती है, सही है। तो वहाँ ईस्ट को यूज़ किया जा रहा है, उस ना खमीरी आटा, तो खमीरी आटा यही होता है जिसपे खमीर लग गई हो, वो आटा क्या है, खमीरी आटा है, जिससे फिर दूसरी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, पिज़्ज़ा वगैरह या सैंडविचेस वगैरह, या फिर आपके पास जो है वो डब रोटी वगैरह, जो तंदूर की रोटी है उसमें भी खमीरी आटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। तो ईस्ट की बात यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास सिरका। सिरका भी एक फूड आइटम है, इसे कहते हैं एसिटिक। तो यहाँ पे भी किसको यूज़ किया जाता है, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनाइज़म को, और वो भी क्या प्रोसेस करेंगे, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे, जिससे हमें सिरका बनेगा। तो होता ये है कि यहाँ पे दो स्टेप में काम होता है, यहाँ पे होती है दो बार फर्मेंटेशन, सही है, यहाँ पे क्या होती है, 2 times फर्मेंटेशन होती है, 2 times से होती है। एक बार तो करते हैं आपके पास ईस्ट यानी ये जो फंजाई है, खमीर है, और दूसरी बार करता है आपके पास बैक्टीरिया। तो होता क्या है, यहाँ पर आपने ले लिया बहुत सारे फ्रूट्स को ले लिया है, सही है, उन फ्रूट्स पे किसका अटैक होगा पहले, उन फ्रूट्स पे अटैक होगा पहले इस ईस्ट का। ये जो ईस्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, फर्मेंटेशन के जरिए, ये कन्वर्ट कर देता है उस फ्रूट को, उस शुगर को किसमें, अल्कोहल के अंदर, सही है। तो पहले स्टेज में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा किससे, उस फ्रूट से, ईस्ट के जरिए। अब जो अल्कोहल आपके पास आया है उस पर बैक्टीरिया अटैक करेंगे, जब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेंगे उस अल्कोहल पे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिटिक एसिड, सही है।
सिंपल। तो ये दो स्टेप में हो जाता है काम। हो क्या रही है, फर्मेंटेशन ही हो रही है कि पहले ईस्ट अटैक करता है तो अल्कोहल बनती है, और अल्कोहल के बाद जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं, वो बैक्टीरिया जो एरोबिक हैं, जो सांस लेने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करेंगे, जब वो अटैक करेंगे तो वो अल्कोहल या वो इथेनॉल का बन जाएगा, वो बन जाएगा एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो सिरका बनाने के लिए भी क्या ज़रूरत है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ, इस फील्ड के अंदर, कि किस तरह डिफरेंट फूड आइटम को फर्मेंट किया जा रहा है और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है। एक बार करा तो अल्कोहल बन गया, दो बार करेंगे तो वो सिरका बन जाता है, सही। तो ये वाली जो स्टडी है सारी फूड के हवाले से, ये किस में है, ये आपके पास, हम किसकी स्टडी है, ये स्टडी है बायोटेक्नोलॉजी की। ये रोल है आपके पास, ये किरदार है इस स्टडी का, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी का। हम किस तरह फूड को जो है वो आम जो है वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। इंडस्ट्रीज इस पर पूरा काम कर रही हैं, कि इंडस्ट्रीज जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं कि एक लार्ज अंदर कम्युनिटी के अंदर इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया, आपके पास ईस्ट नीर को या आपके पास सिरके को, अब जो हमारे, तो ये फूड जो इंडस्ट्री हम बहुत ज़्यादा अब जो है वो यूज़ कर रही है इस, इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, सही। तो आज यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम, और अब बारी है आपके होमवर्क की।